ये दो क्वेश्चन मैंने एसएससी की प्रीवियस ईयर्स एग्जाम से उठाए हैं, आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमें केवल यूनिट डिजिट निकालना था, तो देखिए इसका आंसर बनने वाला है हमारा 6 - 6 0, यहाँ पे चलते हैं तो ये बनेगा 5 + 6 + 9, जोड़ते हैं 9 - 6 = 15, 15 - 5 = 20 और उसका भी यूनिट डिजिट होता है 0। अगर आप भी अपने ही क्वेश्चन को इतना ही तेज़ी से सॉल्व करना चाहते हैं और एग्ज़ाम में कुछ नंबर्स सिक्योर करना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। चलिए हम लोग अपनी वीडियो सीरीज़ का शुभारंभ करते हैं और मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर यूनिट डिजिट इकाई का अंक निकालना, जिसके क्वेश्चन लगभग हर एसएससी के पेपर में पूछे जाते रहे हैं, उसको डिस्कस करते हैं। यूनिट डिजिट होता क्या है? एक नंबर है 5783, तो इसका यूनिट डिजिट होगा 3। एक क्वेश्चन और उठाते हैं 564 + 893, कोई पूछता है इसका यूनिट डिजिट निकालिए, तो क्या मुझे दोनों नंबर्स पूरे पूरे जोड़ने की ज़रूरत है? नहीं, मैं क्या करूँगा, सिर्फ इस 4 और 3 को जोड़ूंगा, आंसर बनेगा मेरा 7। इसी तरह से 812 में अगर 659 का मल्टीप्लाई करना है और मुझे चाहिए केवल यूनिट डिजिट, तो क्या पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है? नहीं, मैं केवल 2 में 9 का मल्टीप्लाई करूँगा जो कि मुझे 18 देगा और 18 का यूनिट डिजिट होता है 8। ठीक, मुझे उम्मीद है यूनिट डिजिट आपको वैसे भी पता थी और थोड़ा डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। चलिए हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट बनता कैसे है और उसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स पेपर में आपसे पूछे गए और क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना था कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये आया था कि सभी नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। देखिए नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब आपको इनका मल्टीप्लाई करना था, हार्डली 1 से 2 सेकंड का आपका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर आपका बनेगा 0। क्यों? क्योंकि देखिए एक 5 है और एक 2 है, 5 में जब भी मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो हमेशा मुझे 0 मिलेगा, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं जब भी 5 में एक इवन नंबर सम संख्या का गुणा होता है तो हमेशा 0 मिलता है, तो इसका आंसर हमारा बनेगा 0। सेकंड था हमारे पास, एक क्वेश्चन आया था कि जब सभी विषम संख्याओं का है ना ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो देखिए मैंने 1 से लगाकर इन्फिनिटी तक ऑड नंबर्स की एक सीरीज़ लिख दी है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए वापस हमारा जो बेस नंबर बनेगा वो बनेगा 5, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई जब भी एक विषम संख्या ऑड नंबर में करता हूँ तो हमेशा मेरा यूनिट डिजिट बनता है 5, क्योंकि देखिए 5 का मल्टीप्लाई 3 में करता हूँ तो 15, 15 का यूनिट डिजिट 5 है, 5 का मल्टीप्लाई 7 में करूँगा 35, 35 का यूनिट डिजिट भी 5 है, तो ये हमेशा मुझे देता है 5। एक क्वेश्चन और ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जब सभी प्राइम नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करें, अभाज्य संख्याओं का गुणा करें तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है। तो देखिए सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2, उसके बाद आता है हमारे पास नंबर 3 का 5, 7 और ये भी जाएगा इन्फिनिटी तक, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए फिर से पहले वाली बात यहाँ पर अप्लाई होगी, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो मुझे एक 0 मिलने वाला है, तो हमारा इसका भी यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा 0। एक पैटर्न के क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस करें जिसमें पूरी सीरीज दी थी और हमें यूनिट डिजिट निकालना था। देखिए दूसरा पैटर्न जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो इस टाइप से हो सकता है, 542 की पावर 2526, इसका यूनिट डिजिट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पर जिसको हम लोग साइक्लिसिटी या फिर चक्रियता कहते हैं, हिंदी नाम चक्रियता का नियम है। साइकिल या मोटरसाइकिल का पहिया हम लोगों ने सबने देखा, ये मान लीजिए वॉल्व ट्यूब है जहाँ से हवा भरी जाती है, अब ये पहिया घूमना चालू करता है, ये घूमेगा और घूम के यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए जब ये सेकंड बार घूमेगा तो पहले जहाँ पर ये होकर आया है वहीं पे जाएगा, रिपीटेशन होगा, क्या कोई नई जगह इसको मिलेगी? नहीं, इस वजह से इसको हम लोगों ने बोला साइक्लिसिटी, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमारे नंबर्स के साथ भी होता है,
नंबर्स भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होना चालू हो जाते हैं। अब रिपीट कैसे होते हैं देखिएगा, 2 की पावर 1 दो, 2 की पावर 2 बनता है 4, 2 की पावर 3 बनता है 8 और 2 की पावर 4 16, 16 का मैं लिखूंगा केवल यूनिट डिजिट 6, 2 की पावर 5 कितना बनेगा हमारे पास 32 और 32 का यूनिट डिजिट 4, 4 के बाद वापस रिपीट हो गया मतलब हमारी साइक्लिसिटी है 4। एक नंबर हम लोग और देखते हैं, 8 की पावर 1 है 8, 8 की पावर 2 64, 64 का मैं लिखूंगा केवल 4, 8 की पावर 3। अब हो सकता है बड़ी पावर्स आपको याद ना हो तो उससे बचने का तरीका, 8 की पावर 1 आई 8, आप इस 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 का केवल 4, फिर 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 32 और 32 का 2, क्योंकि देखिए 8 की पावर 3 भी होती है 512, उसका यूनिट डिजिट बनता है 2, 8 की पावर 4, 2 का मल्टीप्लाई 8 में 16 और 16 का यूनिट डिजिट होता है हमारे पास 6, 8 की पावर 5, 6 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 48, यूनिट डिजिट क्या 8। आप देख रहे हैं 4 के बाद फिर रिपीट हो गया तो साइक्लिसिटी कितनी बनेगी इसकी भी 4। एक नंबर हम लोग और देख लेते हैं, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81 होता है कितना आता है 1। देखिए अगर आपको कहीं 1 मिल जाए तो आप प्रोसीजर को वहीं पे रोक सकते हैं क्योंकि इसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिपीट होने लगेगा। देखिएगा आप 9 की पावर 3 1 का मल्टीप्लाई 9 में करूँगा 9, इसलिए जब भी 1 मिल जाए उसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है तो 9 की साइक्लिसिटी हमारी बनने वाली है 2। एक नंबर हम लोग और देख लेते हैं, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 होती है 25, मतलब कितना बनेगा 5। तो देखिए 5 ही रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी आने वाली है 1। तो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनके 3 पार्ट्स में हम लोग साइक्लिसिटी को डिवाइड कर सकते हैं, साइक्लिसिटी 1, साइक्लिसिटी 2 और साइक्लिसिटी 4। तो देखिए हम लोगों ने अभी ये आइडेंटिफाई करा था कि साइक्लिसिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है, वो नंबर जिनकी साइक्लिसिटी 1 है, वो नंबर जिनकी साइक्लिसिटी 2 है और वो नंबर जिनकी साइक्लिसिटी 4। लेकिन चीज़ों को आसान करने के लिए हमने 2 ही क्लासिफिकेशन करें, एक तो वो नंबर जिनके साइक्लिसिटी 1 है और दूसरे वो नंबर जिनके साइक्लिसिटी 4। हमने साइक्लिसिटी 2 वाले नंबर्स को भी साइक्लिसिटी 4 वाले नंबर्स में ले लिया, इससे क्या होगा हमारा क्लासिफिकेशन आसान हो जाएगा। देखिए वैसे ही तो याद करने के लिए दुनिया में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो कम से कम मैथ्स को तो मैथ्स से रखें, जितना ईजी हो पाएँ कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर जितना स्ट्रांग हो पाएँ, जितना चीज़ों को सरल कर पाएँ उतना हमारे लिए बेहतर है। इसलिए मैंने साइक्लिसिटी 2 वाले नंबर्स को साइक्लिसिटी 4 में डाल लिया है ना। तो साइक्लिसिटी 1 में 0, 1, 5, 6 बड़ा आसानी से हमें ध्यान रह जाएगा, साइक्लिसिटी 4 में 2, 3, 4, 7, 8 और 9 ये सारे आ गए। चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका मुझे इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट निकालना है, तो सबसे पहले इस 54 से तो मुझे कोई लेना देना नहीं, 2 की पावर बनेगी 2, 5, 2, 6। अब मैं देखता हूँ तो 2 की साइक्लिसिटी मेरे पास है 4, अगर साइक्लिसिटी मेरे पास 4 है तो जो भी पावर है मैं उसको 4 से डिवाइड करूँगा क्योंकि मेरी साइक्लिसिटी है 4। चलिए डिवाइड कर लेते हैं 2, 5, 2, 6 4, 6, 24 एक बचता है, ऊपर से 2 उतरेगा, 4, 3, 12 पूरी तरह से कट गया, 4, 1, 4 रिमाइंडर कितना आता है 2। देखिए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 2। अगर रिमाइंडर मान लीजिए 3 आता तो मैं लिखता 2 की पावर 3, 1 आता तो मैं लिखता 2 की पावर 1। इसका मतलब इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट वही बनने वाला है जो मेरा 2 की पावर 2 का बनने वाला है, और 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट होता है 4। तो मेरा फाइनली आंसर बन जाएगा कि इतने बड़े नंबर का जो मेरा यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 4। अभी हम लोग देखिए इसको फिर से डिस्कस करते हैं एक बार, अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा लंबा हो गया और छोटा करा जा सकता है। अभी छोटा कैसे करा जा सकता है ध्यान दीजिएगा, हमें ये बात समझ में आ गई कि पावर को डिवाइड करना है हम लोगों को 4 से। अच्छा 4 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है आपको, 4 से विभाज्यता का नियम। हम लोग सिस्टमेटिक स्टार्ट करते हैं,
कोई नंबर दो से तब डिवाइड होता है जब उसका लास्ट नंबर अगर दो से डिविजिबल हो, या ऐसा बोल लें कि लास्ट नंबर सम संख्या हो तो दो से डिवाइड होगा। चार से डिवाइड देने का नियम होता है कि अगर आखिरी दो नंबर चार से डिवाइड हैं तो वो पूरा नंबर भी चार से मेरा डिवाइड होने वाला है। तो चलिए इसी रूल का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, पूरे को डिवाइड करके नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ लास्ट दो नंबर हम लोग चार से डिवाइड करेंगे। 26 को जब मैं चार से डिवाइड करता हूँ, देखिए कितना आसान हो गया, चार छः 24, कितना बचता है दो, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। फिर से ध्यान दीजिएगा, केवल लास्ट दो डिजिट चार से डिवाइड करूँगा, 4 6 24, शेष आता है, रिमाइंडर आता है 2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 और मेरा आंसर बन जाएगा 4। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में देखिए क्वेश्चन बहुत तेज़ी से सॉल्व करके बताए थे, कॉन्सेप्ट अब आप तक पहुंच चुका है। अब देखिए 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखे हैं और देखते हैं क्वेश्चन कितना तेज़ी से सॉल्व होता है। यह है हमारे पास 7 की पावर 3141, आगे वाले से मुझे कोई लेना देना नहीं क्योंकि मुझे केवल यूनिट डिजिट निकालना है। 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, मतलब पावर को मैं डिवाइड करूँगा 4 से। 41 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर या शेषफल आता है मेरे पास 1, मतलब इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 7 की पावर 1, मतलब मेरा आंसर क्या बनने वाला है 7। इधर चलते हैं, अगेन देखिए यहाँ पर 41 है लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा यूनिट डिजिट 6 है और 6 की पावर चाहे जो हो आंसर हमेशा रहता है 6, है ना। इधर चलते हैं 9 57 9 की साइक्लिसिटी है 4, मतलब पावर को मैं डिवाइड करूँगा 4 से। 4 1 4 एक बचता है, 4 4 16, 4 4 16, रिमाइंडर 1, मतलब मेरा आंसर बनेगा 9 की पावर 1 जो कि होगा 9। 3 नए क्वेश्चंस आपके सामने, इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना है। तो देखिए 8 की साइक्लिसिटी 4 है, 38 को 4 से डिवाइड करूँगा, 4 9 36, कितना बचता है 2, मतलब इसका यूनिट डिजिट वही आने वाला है जो 8 की पावर 2 का, और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यूनिट डिजिट मेरा बन जाएगा 4। यहाँ पर देखते हैं 3 की साइक्लिसिटी 4 हैं, 47 को मैं डिवाइड करूँगा 4 से, तो 4 1 4 4 1 4, रिमाइंडर कितना 3, तो इसका इकाई का अंक वही बनेगा जो 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 मतलब 27 का यूनिट डिजिट 7। यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अलग है, 2 की साइक्लिसिटी 4 होती हैं और जब मैं 4 से इसको डिवाइड करूँगा तो पूरी तरह डिवाइड हो गया, 4 1 4 4 2 8, कोई भी रिमाइंडर मेरे पास नहीं आता, शेषफल कुछ नहीं आ रहा, मतलब इसका यूनिट डिजिट वही बनेगा जो 2 की पावर 4 का। पावर 4 का क्यों, क्योंकि मैंने डिवाइड करा था 4 से और कोई रिमाइंडर मेरे पास नहीं आ रहा था, तो 2 की पावर 4 मतलब क्या, 2 की पावर 4 को अगर मैं देखूं तो 2 2 4 2 8 2 9 16, और 16 का यूनिट डिजिट होता है मेरे पास 6। क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं और ये 3 नए क्वेश्चन आपके सामने हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। 5 यूनिट डिजिट है और साइक्लिसिटी 5 की होती है 1, तो ये हमेशा रहेगा 5, पावर चाहे जो हो, ऐसे ही हमेशा रहेगा 6 6 5 को जोड़ेंगे 11 और 11 का यूनिट डिजिट होता है 1। इधर चलते हैं, ये 2 है, पावर 14, 2 की साइक्लिसिटी 4 हैं, 14 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है मेरे पास 2, तो ये बनने वाला है 2 की पावर 2, और 1 क्योंकि साइक्लिसिटी 1 है तो ये हमेशा देगा मुझे 1। अब 2 की पावर 2 होता है मेरे पास 4 4 माइनस 1, तो मेरा आंसर बनने वाला है कितना 3। यहाँ चलते हैं, 3 की साइक्लिसिटी है मेरे पास 4, मतलब 53 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा और 53 को 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि 13 चौक 52 होता है, मतलब 3 की पावर 1 बनने वाला है। यहाँ पर देखिए ये बन रहा है 13, 7 की साइक्लिसिटी भी 4 है, अगर मैं इसको फिर से 4 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास फिर से रिमाइंडर आएगा 1, तो ये बनेगा 7 की पावर 1, तो आएगा 3 माइनस 7। अब 3 माइनस 7 मन में आता है कि आंसर बनने वाला है कितना 4, होगा क्या, नहीं। अब देखिए आंसर क्या सही होने वाला है, चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, ये नंबर बड़ा है पावर भी बड़ी है, ये नंबर इससे छोटा है पावर भी छोटी है, मतलब एक बात तो हमारी पक्की, क्या कि इसका रिजल्ट बहुत बड़ा आने वाला है और 3 में से 7 को माइनस करना है,
ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा ना कि 423 को अगर 423 में से 67 माइनस करना है तो कैसे करते हैं? 3 - 7 = 4 लिखते हैं क्या? नहीं। क्या करा जाता है? इधर से एक हासिल लिया जाता है, कैरी करते हैं 13, और 13 - 7 होता है 6। तो सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होगी, ये नंबर बहुत बड़ा बनेगा, ये नंबर छोटा आएगा। तो 13 - 7 हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, और 13 - 7 तो मेरा आंसर बनेगा 6। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन करा, जनरली एग्ज़ाम्स में उतना ही पूछा जाता है, लेकिन देखिए एग्ज़ाम्स का लेवल डे पर डे बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग एक स्टेप अब चलते हैं, और क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा फैक्टोरियल 527 की पावर 8312, ये हम लोगों को निकालना है। अगर आपको नहीं पता फैक्टोरियल, तो देखिए पहले फैक्टोरियल को समझ लेते हैं। अगर एक नंबर है फैक्टोरियल 3, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 3 to 1, मतलब 3 से स्टार्ट करना है और 1 तक लेके चलना है। ऐसे ही फैक्टोरियल 4, तो ये बनेगा 4 - 3 - 2 - 1। ऐसे ही अगर फैक्टोरियल 5 है, तो ये बनेगा 5 - 4 - 3 - 2 - 1। हम लोगों को अभी जो लेना देना है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से लेना देना है। तो वैसे तो देखिए पूरा बनता है 6, ये पूरा बनता है 4 से 12, 12 - 2 - 24। 24 भी मैं लिख देता हूँ, और साथ में यूनिट डिजिट 4 भी लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा 5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो मुझे एक मेरा 0 मिलने वाला है, और जैसे ही 0 मिल जाता है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि 0 ही मैथ का हीरो होता है। इसका अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई करूं तो 120 या यूनिट डिजिट 0। अब आप सोचिए, अगर फैक्टोरियल 5 में मुझे 0 मिल गया, फैक्टोरियल 6 में लेता हूं, तो क्या होगा? 6 का और मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मेरा 0 बदलेगा? नहीं, हमेशा 0 रहने वाला है। तो यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 के ऊपर अगर कोई भी नंबर फैक्टोरियल में है तो यूनिट डिजिट तो मेरा हमेशा 0 रहने वाला है। मतलब यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, जितना भी बड़ा आएगा, उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। और हमने देखा था कि 0 की साइक्लिसिटी होती है 1, मतलब उसकी पावर चाहे जो हो, हमेशा हमारा आंसर क्या बनेगा? 0। तो ये पिछले क्वेश्चन से भी आसान है, फैक्टोरियल 5 से ऊपर का आपको कोई भी नंबर मिले, आप तुरंत आंसर बता सकते हैं कि यूनिट डिजिट आने वाली है हमेशा हमारी 0। देखिए पहले फैक्टोरियल नीचे लगा हुआ था, अब की बार फैक्टोरियल मैंने पावर पर चढ़ा दिया, तो ज़रा सोचिए क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 7 की पावर 4। अब 7 की पावर 4 क्यों? क्योंकि देखिए पावर में 0 से हमें कोई लेना देना नहीं होता, बेस नंबर में ज़रूर हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट तो 7 है। अच्छा, मैंने 4 क्यों लिख दिया? क्योंकि फैक्टोरियल 3175 100% मेरा 4 से डिवाइड होने वाला है, क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूँगा तो 3175 × 3174 × ……… करते करते 1 तक लेके जाना है, तो 100% 4 से डिवाइड होगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 7 की पावर 4। अब 7 की पावर 4 क्यों? क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी कितनी देखी थी हम लोगों ने? 4। यूनिट डिजिट निकालना है, 7 की पावर 1 = 7, 7 की पावर 2, 7 का 7 में मल्टीप्लाई = 9, 7 की पावर 3, 9 का 7 में मल्टीप्लाई = 3, 7 की पावर 4, 3 का 7 में मल्टीप्लाई = 21, और 21 का यूनिट डिजिट होता है 1। तो आंसर बनने वाला है हमारा 1। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने थॉरोली आपके साथ सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन देखिए केवल मेरे बताने से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस ना करें। एक क्वेश्चन ये बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अपना आंसर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसे और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।